मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आज नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली में दिन भर होने वाली इस बैठक के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। शुक्रवार की शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। नीति आयोग की बैठक में भूपेश बघेल पांचवें नंबर पर संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश की साल भर की उपलब्धियों के साथ भविष्य की प्लानिंग और केंद्र में लंबित योजनाओं की मंजूरी के लिए बात करेंगे। इसके साथ ही राज्य के लिए जरूरी राजस्व की मांग भी की जाएगी। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वित्त सचिव अंकित आनंद भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कोल रॉयल के जो हमारे पैसे रुके हुए हैं उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। हर 3 साल में रॉयल दर वृद्धि होना था, वो नहीं हुआ है। उसी प्रकार पीडीएस में हमें लगभग 1000 करोड़ रुपए लेना है। पहले कई योजनाएं भारत सरकार की होती थी, जिसकी 90% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार करती थी और 10% राज्य सरकार। अब अधिकांश योजनाएं 50-50% हो गई हैं। जब 50% केंद्र और 50% राज्य दे रहा है, तो योजना का नाम भी केंद्र सरकार क्यों तय करे? नाम राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए। इसके आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, इसमें 50% राज्य सरकार दे रही है, नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राज्य सरकार आधा पैसा दे रही है तो नाम रखने का भी अधिकार होना चाहिए। वहीं उन्होंने बैठक की रूपरेखा को लेकर कहा कि 10 बजे की बैठक है, शाम 4 बजे तक चलेगी। बहुत सारे इश्यूज आएंगे, उन पर चर्चा होगी, ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। तो नीति आयोग की बैठक से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।